रुकिए, प्रसाद तो लेकर जाइए। लीजिए। कभी दुश्मन का भी दिल न दुखाए हमारे सूरज ने, कब तक ऐसी सजा भुगतो रवे को कि प्रेम करने की ऐसी सजा हो वे, जाने वाला चला गया और प्रेम करने वाला भुगतता रवे, कब तक मारो छोरो ऐसे अंधेरे में डूबो रवे को। भगवान की हर करनी के पीछे एक कारण होता है, जो देर सवेर हमें समझ में आ ही जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे भले के लिए हो रहा है, फिर इसके बाद भगवान से कैसी शिकायत। पता है, अगर अपने मन की होना तो अच्छा है, और अगर मन की ना हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि जब मन की नहीं होती ना तो उसके पीछे भगवान की कोई मर्जी छिपी होती है, और हमारे भगवान वो कभी गलत हो सकते हैं क्या? कौन है जी छोरे जिसकी बातें जैसे जैसे अचानक से मारी पीड़ा को थोड़ा सा कम कर गई, मारे सवालों का जैसे जवाब दे रही हो, हनुमान गली की तो ना लग रही। क्या बात है, सबको पेड़े बांट रही है, रिश्ता पक्का हो गया क्या तेरा? नहीं काकी, ये तो वो दरअसल मेरे बाबा भगवान को प्यारे हो गए हैं। ओह, ये तो बहुत दुख की बात है। हाँ काकी, पर मेरे बाबा हमेशा कहा करते थे कि समय चाहे जैसा भी हो पर चेहरे पर हमेशा मुस्कान और जुबान पर हमेशा मिठास रहनी चाहिए। ये भी तो एक भक्ति है ना, जहाँ हम ईश्वर की होनी को खुशी खुशी स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, पर सब थारे जैसे ना हो ना, जन्मदिन मनाते हुए देखा, पर तू पहली छोरी है जो बाप के मरने पर पेड़े बांट रही है। क्यों नहीं काकी सा, जब हम ईश्वर की करनी को रोक नहीं सकते ना, तो हमें उन पे भरोसा करना चाहिए। जन्म मरण ये सब उनकी मर्जी से होता है ना, तो मौत को भी हमें खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। जीती रहे बेटी। और जे किसी की मौत किसी दूजे के लिए रोग बन जावे तो उसकी बनाई दुनिया में हर दर्द की दवाई, हर रोग का उपचार है। और कहते हैं ना कि भगवान समस्या देने से पहले समाधान बनाता है, इसलिए हमें उससे शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, हमें हमारे समाधान के उपचार तक पहुंचा दे। चप्पल कहाँ गई? चप्पल? हाँ, यही उतारे थे। चेची।
मुझे लगता है किसी ने चप्पल चुरा ली। चेची आप अभी यहीं पर के वो देखिए, सामने एक चप्पल की दुकान है, मैं आपके लिए वहां से एक चप्पल लेकर आती हूँ। चल छोरा, आज 3 महीने बाद मैंने अपने सूरज के चेहरे पर मुस्कान देखी है। संध्या की बारी। अरे वाह, मामा की तो 6 आ गए। 6? 1, 2, 3, 4, 5। लो, तारी मामा तो हमेशा की तरह इस बार भी जीत गई। उनको तो ना जीतने की आदत सी हो गई है। ये देखो, अब बचा 1 और थारी बची 3, मेरी 2। थारी मामा जीत गई। मारुछोरो अगर पहले जैसे ठीक हो जाए, एकदम ठीक, पहले की तरह एकदम चमक दमक जैसे हो जाए। उम्मीद ना खोनी है हमें संतोष। ठाकुर जी ने मुश्किल से मुश्किल समय से हमें बाहर निकाला है। जानू, बेटे की ऐसी हालत देखकर एक माँ के दिल पर क्या बीती है जानू हूं मैं, पर आज ऐसी बेबसी में भी थारे को हिम्मत जुटानी है। हिम्मत उम्मीद की किरण से जागी है जी, और वो किरण आज हमारे को नजर आई। सूरज का जेहाल एक लुगाई ने किया है ना, तो उसका उपचार एक लुगाई ही करेगी। की बात कर रही है संतोष, ये पहली जैसी बात मत कर। कहना क्या चाहे तो? आज मंदिर में हमारे को एक छोरी दिखाई थी। छोरी? ना जाने ईश्वर का कोई इशारा है, पर वो छोरी हमारे सूरज के चेहरे पर मुस्कुराहट दे गई। कौन है वो छोरी? कटेरे में कुछ भी ना जानू मैं तो उस छोरी का नाम तक ना जानू। मैं तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही थी, पर वो छोरी जैसे मारे को मारे सवालों का जवाब दे गई। सुनो जी, अगर वो छोरी मारे सूरज के जीवन में आ जावे ना, तो मारो छोरू फिर से जीना सीख जावे को। आज वो छोरी मारे सामने आई है तुम्हारे छोरे की खुशी के वास्ते। मैं उस छोरे तक जरूर पहुंच जाऊंगी। हमारे सूरज को ठीक करने के वास्ते मैं उस छोरे ने ढूंढ निकालूंगी, चाहे वो 7 समुद्र पार क्यों ना हो। और
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।